छतरपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राजश्री गुटखा पान मसाला व्यापारी से एसपी बगला के पास में हुई लूट का पुलिस लाइन कॉन्फ्रेंस हॉल में एसपी अगम जैन ने किया खुलासा। तीन लुटेरे गिरफ्तार, 10,25,000 रुपए बरामद। लूट के आरोपी अर्श उर्फ ब्लैकी मंसूरी तथा रोशन मंसूरी के विरुद्ध हत्या का प्रयास अपराध पूर्व से दर्ज। दिनांक 18 अगस्त 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र के छतरपुर शहर के बीचों बीच सागर रोड में एसपी बगला के पास पान मसाला के व्यापारी कृष्ण कुमार अग्रवाल की लूट संबंधी सूचना प्राप्त होने पर मौके पर शीघ्र पुलिस टीम पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण एसपी अगम जैन, सीएसपी एवं सिटी कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर ने किया। भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए। मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली ने भारतीय न्याय संहिता के तहत लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शहर के चौराहा, सार्वजनिक स्थल छतरपुर पुलिस द्वारा दुकानों इत्यादि के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। फुटेज व सक्रिय मुखबिर तंत्र से एकत्रित सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से संबंधित विभिन्न स्थानों में दबिश दी गई। लूट की घटना करने वाले तीन आरोपियों, एक अर्श उर्फ ब्लैकी पिता अयूब सौदागर उम्र 20 साल निवासी मनिहारी मोहल्ला थाना कोतवाली छतरपुर, दो रोशन मंसूरी पिता स्वर्गीय पीर मोहम्मद उम्र 21 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना सिविल लाइन छतरपुर, तीन सोनू उर्फ चांद मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद मंसूरी उम्र 20 साल निवासी पलोटा रोड थाना सिविल लाइन छतरपुर को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी अर्श उर्फ ब्लैकी से 3,50,000 रुपए, रोशन मंसूरी के पास से 4,00,000 रुपए एवं चांद मोहम्मद के पास से 2,75,000 रुपए बरामद किए गए। लूट के आरोपी अर्श उर्फ ब्लैकी मंसूरी तथा रोशन मंसूरी के विरुद्ध हत्या का प्रयास अपराध पूर्व से दर्ज है। घटना में शामिल चौथा आरोपी नफीस मुसलमान की तलाश व विवेचना कार्यवाही जारी है। छतरपुर से गजेंद्र सिंह राठौर, खबर यूपी तक से मध्य प्रदेश हेड के साथ कैमरामैन जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट नगर तरफ से व्यापारी आ रहे थे और उन्होंने बस चले वाले रोड पर गाड़ी के सामने इस बात की संभावना है कि इस तरह से रिपोर्ट बाद में हुई है। मुख्य आरोपी हालांकि अभी अरेस्ट होना बाकी है, इन्होंने देखी थी उसके आधार पर इन्होंने घटना को मारा। सर, शहजाद अली और आजाद अली के मकान को तोड़ा गया है, किस तरीके की कार्रवाई की गई आज? आज अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई की गई है। जो भी आरोपी हैं उस पर भी है, तो शहजाद अली जो है उनके निर्माण अवैध निर्माण किया गया। सर, कितना एरिया में मकान बना हुआ है? सर, क्या परमिशन नहीं थी उनके पास? क्या अवैध किस तरीके से था उसमें? सर, एक पत्र भी जारी हो रहा है कि कल कोतवाली में जिस तरीके से ज्ञापन देना था तो एक उन्होंने चिट्ठी जारी की थी, कार्ड बटा था, वो क्या था? और जैसा कि आप बता रहे हैं उसको भी संज्ञान में लिया गया। हमारी टीम लगी हुई है, सब पर निश्चित ही कार्रवाई करेंगे।